नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मोहम्मदी खीरी में भाजपा के विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। रामलीला मैदान से रवाना हुई, पूरी विधानसभा में भ्रमण किया। रैली में जय श्री राम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हजारों मोटरसाइकिल के साथ निकाली गई बाइक रैली। साथ ही अभिनंदन की देश वापसी पर क्या बोले ये दिग्गज नेता, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। ये भारत के इतिहास की पहली घटना है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सफलतम कूटनीतिक राजनीति के तहत पहली बार 36 घंटे के अंदर हमारा कोई सैनिक जो कि कैदी हो गया था वहां से वापस आया है। और यह मोदी जी का दबाव भी था, इस नाते पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा। और यदि वो पीछे से बात करेंगे तो हम लोग कहीं पर से भी कम नहीं, हर प्रकार से, हर ढंग से हम लोग तैयार हैं, हर ढंग से लड़ाई करने को तैयार हैं। कहीं पर से भी कोई पीछे नहीं, कोई समझौता नहीं, किसी प्रकार का समझौता नहीं। सारी सेना के सारी सेनाओं को, चाहे जल थल वायु, सभी को पूरी पूरी छूट दे दी गई है कि अपने हिसाब से आप तय करो कैसे क्या करना है। पाकिस्तान दोबारा इस तरीके की हरकत करता है तो अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है। ये मुँह तोड़ इसका जवाब देगी। और अभिनंदन की वापसी पे मुझे अपने देश पे और फौजियों पे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये साहसिक कदम हमारे प्रधानमंत्री मोदी का रहा कि जो दो दिन के अंदर जो हमारे अभिनंदन की वापसी हुई, इसके लिए हमारी मोदी सरकार पूरी बधाई की पात्र है। और सैनिकों का हार्दिक दिल से मैं जो है अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दबाव में पाकिस्तान है, कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह तोड़ भारत ने जवाब दिया है। उसने मेरे नियतों को 45 को मारा था तो हम लोग ने 400 को ढेर किया। और पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में भी भारत में नरेंद्र मोदी की ख्याति है। और जो ख्याति उन्होंने पैदा की है, जिन्होंने अमेरिका में बात किया, उन्होंने चाइना में बात किया, अभिनंदन को तत्काल इतना दबाव करा दिया कि 24 घंटे में उनको अभिनंदन को छोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ी। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर डर है, पाकिस्तान का, भारत का डर है, हमारी सेना का डर है। और नरेंद्र भाई मोदी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मौजूद हैं, तो इसलिए उनको डर है। वो किसी न किसी तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ की सेना ने और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं कोई समझौता नहीं करूँगा और आप सबसे पहले उसको वापस कीजिए। भविष्य में सबसे पहले भी आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जो अभिनंदन 48 घंटे में उन्होंने कहा था वापस करेंगे, थोड़ा उन्होंने लेट किया लेकिन उनको वापस करना था। अब वो पलटवार क्या करेंगे, यदि वो एक बार करेंगे तो पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहेगा, ये तय। ये पाकिस्तान डर गया, कहीं ऐसा ना हो दोबारा भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे। और ये भारत है, नरेंद्र मोदी हमारे सभी सेना अध्यक्ष पर हम सबको गर्व है कि अगर पाकिस्तान जो है टेढ़ी उंगली करेगा तो उसकी उंगली तोड़ने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे रक्षा मंत्री सीतारमण जी और तमाम हमारे सेनाध्यक्ष मुँह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जो है निर्मत तरीके से लगे हुए हैं। खबर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूथ इंडिया लाइव, ताकि खबर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यूथ इंडिया लाइव।